हेलो बच्चों, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। बच्चों, काफ़ी समय से आप रेलवे एग्ज़ाम की जो है डेट का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। कोविड-19 के बाद NTPC एग्ज़ाम जो होगी वो होगी 15 दिसंबर से, और इसका जो टाइम टेबल है शेड्यूल जारी कर दिया है। टेंटेटिव विभाग के द्वारा आपको बताई गई है न्यूज है, और इसमें जो टोटल स्टूडेंट थे 2 करोड़ 40 लाख स्टूडेंट्स यानी कैंडिडेट्स ने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था, और 1.5 लाख के समथिंग पदों पे ये जो है रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी। और कोरोना के कारण स्थगित हुई परीक्षा अब अनलॉक के साथ फिर से शुरू हो चुकी है। इस क्रम में भारतीय रेलवे भी अपनी स्थगित हुई नॉन टेक्निकल पॉपुलर जो कैटेगरी पोस्ट थी और ग्रुप डी की वैकेंसीज थी, उनकी भर्ती प्रक्रिया के लिए जो एग्जाम थी वो 15 दिसंबर से स्टार्ट कर रही है। इस प्रकार की न्यूज जो है निकल के आ रही है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के जो ट्विटर अकाउंट है उनकी ये न्यूज़ देख सकते हो। इसमें सबसे पहले आपको बताया, कोरोना से पहले रेलवे में 1,40,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया था, जिसमें लगभग 2,42,00,000 आवेदन आए थे। किसी वजह से एग्जाम नहीं हो पाई, अब निर्णय लिया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगी, 15 दिसंबर से शुरू की जाएगी। तो एक आपको एग्जाम डेट की जो है यहाँ टेंटेटिव डेट बताई गई है कि 15 दिसंबर से आपकी रेलवे की एग्जाम होने वाली है। अन्य अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए।